Today we are going to start exercise 8.2 of chapter quadrilaterals. Remember, in the last video we discussed midpoint theorem. Line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and is half of it. And that theorem will be used in almost every question of the exercise. That is very important theorem. Theorem bhi important hai, uska concept jo use hoga puri ki puri exercise mein, that is also very important. This one is a supporting figure. Here we are given a quadrilateral ABCD. Aap question dekhenge, wahan likha hoga, in a quadrilateral ABCD, P, Q, R, S are the midpoints. P kiska midpoint hai? AB ka. Q is the midpoint of BC. R is the midpoint of CD and S is the midpoint of AD. These are the midpoints. Ye sab humne yahan pe likh diya. And हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पे, एस इज द डायगनल, डायगनल भी ज्वाइन है, डायगनल बाद में ज्वाइन करते हैं. एस आर इज पैरेलल टू ए सी. सो फर्स्टली मैं डायगनल को ज्वाइन कर लूँ. ए सी इज द डायगनल. ये कंस्ट्रक्शन पार्ट में नहीं है, बुक में ज्वाइन है. डॉटेड लाइन में भी रख सकते हैं, नहीं रखना इट्स योर चॉइस. ओके, ए सी इज द डायगनल. नो नीड टू मेंशन एनी कंस्ट्रक्शन है. सो टू प्रूव के जो स्टेप्स हैं वो मैं यहाँ मेंशन नहीं करूँगा, बट आपको मेंशन कर लेने. एस आर इज पैरेलल टू ए सी. एस आर इज पैरेलल टू ए सी. एक हमें ये प्रूव करना है, एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी. सेकेंड पार्ट इज पी क्यू इक्वल टू एस आर, वो बाद में देखेंगे. फर्स्टली हमें क्या करना है, SR is parallel to SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. Proof. See, we have triangle ACD. ये जो concept हम अभी use कर रहे हैं ये बार बार use होगा almost सभी questions में. This one. We have a triangle ACD. A, C, D. Here S is the midpoint of AD. S is the midpoint of AD. R is the midpoint of CD. This one. अगर मैं S और R को join करता हूँ, आप देखें यहाँ पे midpoint theorem का अगर मैं use कर लूँ. Line segment joining the midpoints of two sides of triangle. एक side का भी midpoint, दूसरी side का भी midpoint. इनको join करने वाला line segment. According to midpoint theorem, this line segment is parallel to the third side. मतलब ये होगा एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी. दिस इज व्हाट वी कॉल मिड पॉइंट थ्योरम. मिड पॉइंट थ्योरम से एस आर इज पैरेलल टू ए सी. और फर्स्ट पॉइंट हमारा फर्स्ट पार्ट यही है क्वेश्चन का, एस आर इज पैरेलल टू ए सी, एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी. मैं यहाँ सिंपली लिखूंगा इन ट्राइंगल ए सी डी. फर्स्ट पार्ट इन ट्राइंगल ए सी डी. क्या है इस ट्राइंगल में, एस एंड आर आर मिड पॉइंट. एस मिड पॉइंट है ए डी का, आर मिड पॉइंट है सी डी का. एस एंड आर आर मिड पॉइंट. किसके मिड पॉइंट है ऑफ, फर्स्टली एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी रेस्पेक्टिवली. यहाँ मैंने रेस्पेक्टिवली का पूरा स्पेलिंग नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं. देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा, मिड पॉइंट थ्योरम से एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी. ऐसा हुआ. नाउ फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड. सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर. पी क्यू इज इक्वल टू एस आर. वी हैव वन मोर ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी. देखेंगे दिस वन, ट्राइंगल ए बी सी. Now, P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC. आप देखेंगे
दीज टू आर मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, एक साइड का भी मिड पॉइंट दूसरी साइड का भी मिड पॉइंट. सो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स को जॉइन करने वाला लाइन सेगमेंट. दिस लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट, दैट इज पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी. मैं लिखूंगा सिमिलरली, इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी में क्या होगा, पी क्यू पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी. दिस वन इज योर इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू. नाउ इफ वी कंपेयर दीज टू इक्वेशंस, आप देख रहे हैं SR parallel to AC, PQ parallel to AC, मतलब ये इसके parallel, ये इसके parallel. In the last video we have discussed one line is parallel to second line, second line is parallel to third line. It means first, second and third, all the lines are parallel. या फिर मैं ये कहूँ कि first and third line are also parallel. देखिए PQ AC के parallel, SR AC के parallel, इसका मतलब PQ is parallel to SR. या फिर मैं यहाँ से ये कहूँ SR equal to half of AC, PQ equal to half of AC. तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड दोनों की सेम है, PQ equal to SR. तो मैं सिंपली ऐसा लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, दोनों इक्वेशन से क्या रिजल्ट निकला, PQ is parallel to SR एंड यहां से क्या निकला, पी क्यू इक्वल टू एस आर. सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो प्रूव, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया. नाउ थर्ड पार्ट इज पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम. तो देखेंगे आप यहां पे, दिस वन इज योर सेकेंड पार्ट. नाउ थर्ड पार्ट क्या कहता है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, आप देख रहे हैं PQ is parallel to SR, PQ is equal to SR, मतलब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल. एक पेयर इक्वल भी है, पैरेलल भी है. वी हैव डिस्कस्ड इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल एंड पैरेलल, देन द पैरेललोग्राम कैन बी सेड टू बी अ, सॉरी, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर इक्वल भी है, पैरेलल भी है, देन द क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी अ पैरेललोग्राम. तो मैं लिखूंगा दैट इज one pair of opposite sides of PQRS is equal and parallel. Equal भी है, parallel भी है, one pair. चलिए parallel का spelling लिखते हैं. Therefore PQRS is a parallelogram. इसके साथ ही आप लिख सकते हैं थर्ड पार्ट इज प्रूव्ड, हमने थर्ड पार्ट भी प्रूव कर दिया. दिस इज क्वेश्चन नंबर वन. अब ये याद रखना है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बार बार डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में यूज होता रहेगा. दिस इज क्वेश्चन नंबर वन, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम. थर्ड पार्ट भी हमने कर दिया प्रूव. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज 8.2. एक बात और याद रखें आप, सेम चैप्टर कुछ बुक्स में चैप्टर नंबर 7 है, दैट्स व्हाई 7.2, किसी बुक में 8.2 होगा. तो इसका आपको कुछ ध्यान रखना है, चैप्टर का नाम आपको याद रखना है, क्वाड्रिलेटरल्स. क्वेश्चन नंबर टू, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, शो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल. फर्स्टली ए बी सी डी इज अ रोम्बस, फर्स्टली हम एक रोम्बस ड्रॉ करेंगे यहाँ पे. यू बेटर नो कि रोम्बस के लिए फर्स्टली अगर डायगोनल्स बना दें तो आसानी से रोम्बस बन जाती है, बट यहाँ डायगोनल्स की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो ड्रॉ कर लेंगे. फर्स्टली वी विल सिंपली ड्रॉ अ रोम्बस.
We must know the properties of Romus. All the sides of a rhombus are always equal. ये याद रखना है आपको, rhombus की सभी sides equal होती हैं. Diagonals bisect each other at right angle. तो जो भी concept हमें यहाँ चाहिए होगा हम वो use कर लेंगे. Firstly, we are given a rhombus. Suppose this one is a rhombus. What is question? ABCD is a rhombus. A, B, C, D. This one is the rhombus. Then, P, Q, R, S are the midpoints of AB ka midpoint. P, Q, R, S. These are the midpoints. Yahan draw karenge. P, Q, R, S. Hame prove kya karna hai yahan pe? Show that PQRS is a rectangle. So firstly हमें PQRS को join करना होगा. This one. PQRS quadrilateral is complete. Now, what is given here? We are given a rhombus ABCD. क्या लिखेंगे? A rhombus ABCD in which P, Q, R, S are the midpoints of. P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC, R is the midpoint of CD and S is the midpoint of AD. और प्रूफ क्या करना है हमें? We will prove P, Q, R, S is a rectangle. तो बेटर है यहाँ हमें लिखना पड़ेगा to prove आप प्रॉपरली स्टेप्स लिखेंगे. मैं यहां लिख रहा हूं पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल. जब रेक्टेंगल प्रूव करना है आपको कॉन्सेप्ट सेम यूज करना पड़ेगा. डायगोनल ज्वाइन कर लेते हैं, कोई भी एक डायगोनल. वहां हमने इसी डायगोनल ज्वाइन किया था, इसमें भी इसी ज्वाइन करेंगे, स्टेप सेम हो जाएंगे. चलिए मैं ये ज्वाइन करता हूं. दिस वन इज कंस्ट्रक्शन, तो आप मेंशन कर सकते हैं ज्वाइन डायगोनल बीड. ओके, वी विल प्रूव PQRS is a rectangle. Firstly, we must know the properties of rectangle. Rectangle के लिए हमें equals opposite sides को equal prove करना है. Firstly, हमें ये prove करना है opposite sides are equal. PS is equal to QR, SR is equal to PQ. Then, each angle is 90 degree. अगर इतना prove कर देते हैं, we can say this one is a rectangle. अब rectangle prove करने के लिए अगर मैं firstly ये prove कर दूँ PQRS is a parallelogram. Parallelograms के opposite sides equal हो जाएंगी. जब opposite sides equal हो जाएंगी, हम पहले भी discuss कर चुके हैं. Suppose PS is equal to QR, मैंने prove कर दिया. PQ equal to SR, ये भी prove कर दिया. अब हम क्या करेंगे? कोई दो adjacent sides को equal prove करेंगे. जब adjacent sides equal हो जाएंगी, ultimately सारी की सारी sides equal prove हो जाती हैं. Then we will go for angles. Each angle should be equal to 90 degree. So firstly, हमें PQRS को
पैरेललोग्राम प्रूव कर लें, प्रोसीजर विल रिमेन द सेम, बस यहाँ पे नाम चेंज होंगे। यहाँ वहाँ हमने ट्राइंगल कोई और ली थी, अगर मैं ये डायगनल ज्वाइन करता एसी तो मैं कोई और ट्राइंगल लेता, इस डायगनल के लिए ट्राइंगल कोई और लेनी पड़नी थी। इसके लिए वी हैव ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी सी डी, लेकिन पहले यहाँ देखेंगे आप ट्राइंगल ए बी डी सिंपली। This one is A, B, D. You can see P is the midpoint of AB and S is the midpoint of AD. अब midpoint theorem क्या कहती है? Line segment joining the midpoints. ये जो line segment है, third side के parallel होगा. मतलब PS parallel to BD होगा, PS equal to BD होगा by midpoint theorem. तो मैं यहाँ simply क्या लिखूँगा? In triangle A, B, D. वहाँ ACD था, यहाँ क्या लिखा? ABD. ओके, एबीडी में क्या है? पी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी और एस इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। एस एंड पी, एस एंड आर था, यहां लिखा एस एंड पी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, एस किसका मिड पॉइंट है? एडी लिखा है ऑलरेडी, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, तो यहां हमें एबी मेंशन करना है। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा? यहां फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट लेके नहीं चलेंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम पी एस इज पैरेलल टू डी डी। वी कैन से पी एस इज पैरेलल टू बी डी एंड पी एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, ये दोनों इक्वल और पैरेलल हो गए। उसके बाद मैं इस ट्राइंगल में आऊंगा, ट्राइंगल बी सी डी। वेरी सिंपल, एक बार जब ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है देन इट इज वेरी इजी टू मेक इट क्लियर। बी सी डी, हियर वी हैव बी सी, अब बी सी का मिड पॉइंट यहां पे कौन है? क्यू। बी सी का मिड पॉइंट है क्यू एंड सी डी का मिड पॉइंट है आर। दिस वन अगर इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ, अगेन लाइन सेगमेंट ज्वाइन द मिड पॉइंट बाय मिड पॉइंट थ्योरम, क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी। तो यहाँ हमने कौन सी ट्राइंगल कंसिडर की? इन ट्राइंगल वी हैव बी सी डी, यहाँ क्या होगा सिमिलरली? क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी। QR is parallel to BD and QR equal to half of BD. यहां आ गया हमारे पास first equation and second equation. अब इन दोनों equation से क्या result निकला? QR is parallel to BD, PS is parallel to BD. PS भी BD के parallel, QR भी BD के parallel. It means PS and QR are parallel. We can say PS is parallel to BD and PS equal to half of BD equal to BD. Again, one pair of opposite sides is equal and parallel. We can say PQRS is a parallelogram. जब parallelogram बन जाती है तो इसकी opposite sides equal हो जाएंगी। इसके बाद आपने लिखना है PS is equal to QR and PQ is equal to SR, PS equal to QR, PQ equal to SR, इतना हो गया। अब हमें adjacent sides को equal prove करना है, so that all the sides can be said to be equal. अब adjacent sides को equal prove करने के लिए मैं इन दो triangles को convert करूँगा, triangle PBQ, triangle APS, in triangle. उससे पहले एक स्टेप और ले लें, वी नो इनको कंग्रेंट करने के लिए ए बी सी डी इज अ रोम्बस, अगर ए बी सी डी रोम्बस है तो इसकी सारी साइड्स इक्वल है। इट इज गिवन ए बी सी डी इज अ रोम्बस, सो ऑल ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल, दैट इज ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी और बी सी इक्वल होंगे,
if AB and BC are equal, then half of AB is equal to half of BC. Half of AB मतलब PB, half of BC मतलब BQ. So we can say PB equal to BQ. अब इस ट्राइंगल को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, PB equal to BQ. अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो PB के सामने ये एंगल, BQ के सामने ये एंगल, these two angles are also equal. ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा. ये भी हमें यूज़ करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट. उसके बाद चलिए पहले इन्हीं दो एंगल्स को इक्वल करके रखता हूँ. हियर ए बी इक्वल टू बी सी. यू कैन मेंशन द रीजन. साइड्स ऑफ रोम्बस, हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी. हाफ ऑफ ए बी मतलब पी बी, हाफ ऑफ बी सी मतलब बी क्यू. तो उसके बाद क्या हो जाएगा, लेट दिस बी एंगल वन, दिस वन इज एंगल टू. वी कैन से एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू. हमें अल्टीमेटली कहाँ पहुँचना है, अभी इन दो साइड्स को भी इक्वल करना है. उसके बाद अब पहले इन दो साइड्स को मैं इक्वल करने की अगर कोशिश करता हूँ, इन दो ट्राइंगल्स में क्या होगा, इन ट्राइंगल ए पी एस and triangle BPQ. देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स में AP equal to PB, AP और PB equal है. रीजन क्या है, P is the midpoint of AB, that's why AP is equal to PB. एक साइड इक्वल. उसके बाद AS equal to BQ. मैं सभी कह सकता हूँ कि AS और BQ equal है. अब ये दोनों क्यों equal है, बिकॉज ए डी इक्वल टू बी सी. अगर ए डी और बी सी यहाँ पे इक्वल हैं, वी हैव रोम्बस ए बी सी डी, रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती है. ए डी और बी सी इक्वल होंगे तो ए डी का हाफ ए एस, बी सी का हाफ बी क्यू, ये भी दोनों इक्वल होंगे. ये दो साइड्स इक्वल आ गई हमारे पास. जब दो साइड्स इक्वल हैं, अब थर्ड पार्ट के लिए, थर्ड पार्ट में इस ट्राइंगल में आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ से तो हमारे पास नहीं हो पाएंगी दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल. अब दो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे. हमें प्रूफ करना है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल. ओके, रेक्टेंगल हमें इसको प्रूफ करना है. जब रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो इसकी एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूफ करने की जरूरत नहीं, हमने अपोजिट साइड्स को ऑलरेडी इक्वल प्रूफ कर दिया. अब मुझे इन दो एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रूफ पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, हमने प्रूव कर दिया. अब ईच एंगल 90 डिग्री के लिए फर्स्टली इन दो एंगल्स को मुझे प्रूव करना है इक्वल. जब दोनों इक्वल हो जाएंगे उसके बाद हम 90 डिग्री भी प्रूव कर लेंगे. अब इनको इक्वल प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यू कैन सी वी हैव ए एस, इस ट्राइंगल में ए एस, और इस ट्राइंगल में अगर मैं कहूँ, इस ट्राइंगल में हमारे पास सी आर, ये दोनों भी इक्वल है. ए बी सी डी इज अ रोम्बस, रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती है, मतलब ए डी इक्वल टू डी सी. और ए डी का हाफ करूँगा ए एस, डी सी का हाफ करूँगा सी आर. ए डी के सामने ये एंगल आ जाएगा, लेट इट बी एंगल थ्री, और सी आर के सामने ये एंगल आ जाएगा एंगल फोर. तो मैं ऐसा करता हूँ, नाउ ए डी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू सी डी. आप मेंशन कर सकते हैं रीजन, साइड्स ऑफ रोम्बस. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बिल्कुल स्टेप वाइज चलना है आपको. ये कैसे प्रूव करना है स्टेप वाइज चल के, एक बार फिर पूरा क्वेश्चन हम रिपीट कर लेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. ए डी इक्वल टू सी डी, दीज आर साइड्स ऑफ रोम्बस. तो मैं यहाँ से ए डी का हाफ, हाफ ऑफ सी डी, नाउ हाफ ऑफ ए डी, ए डी का हाफ ये भी है, ये भी है, मैंने ये ले लिया ए एस. सी डी का हाफ ये भी है, ये भी है, मैंने सी आर ले लिया. देखिए ये दोनों भी इक्वल हो गए. अब मुझे इन दो एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है. जब ये इक्वल होगी मैं सिमिलरली, जैसे मैंने अभी प्रूव किया ए एस इक्वल टू सी आर, मैं लिखूंगा सिमिलरली. इसी तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा,
इस ट्राइंगल में ए पी और इस ट्राइंगल में सी क्यू, ये भी दोनों इक्वल हो सकते हैं। इसी प्रोसीजर से जैसे ये प्रूव किया, बार बार आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप लिखेंगे ए पी इक्वल टू, ए पी इक्वल टू सी क्यू। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कंप्लीट करूँगा, इन ट्राइंगल ए पी एस एंड ट्राइंगल सी क्यू आर। देखिए इस ट्राइंगल में ए एस और इस ट्राइंगल में सी आर, रीजन प्रूव्ड। देन इस ट्राइंगल में ए पी, हियर सी क्यू, अगेन रीजन इज सेम, प्रूव्ड। इस ट्राइंगल में पी एस एंड इन दिस ट्राइंगल क्यू आर, रीजन पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। रीजन लिखूंगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, देयरफॉर ट्राइंगल ए पी एस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू आर बाय S S S congruency. These two triangles are congruent. After congruency, angle 3 is equal to angle 4. Corresponding parts of congruent triangles. एक दो स्टेप्स और लेंगे। एक लाइन पे. Let this angle be angle 5. This one is angle 6. ये एक लाइन पे एंगल्स बन रहे हैं, स्ट्रेट एंगल है, एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 180 डिग्री होगा। यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 180 डिग्री एंड 1 प्लस 6 प्लस 4 एंगल 1 एंगल 6 एंगल 4 180 degree. Therefore, the answer result kya nikla? Right hand sides are same. Angle 2 plus angle 5 plus angle 3 is equal to 1 plus 6 plus 4. अब जो जो angles equal है उनको cancel करूँगा. Equal कौन है? 3 equal to 4. 3 और 4 cancel किए. Then 1 equal to 2. 1 और 2 cancel किए. We have angle 5. इक्वल टू एंगल 6. हाँ एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल हो गए। अब देखेंगे वी हैव पी एस पैरेलल टू क्यू आर, पी एस पैरेलल टू क्यू आर पैरेललोग्राम है, सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज 180 डिग्री, इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स है। जब दोनों का सम 180 है, दोनों इक्वल भी हैं, इट मीन्स एक भी 90 दूसरा भी 90। मैं लिखूंगा सिंस पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर, therefore angle 5 plus angle 6 equal to 180 degree. जब दोनों का सम 180, it means angle 5 equal to angle 6 equal to 180 upon 2, that is 90 degree. So ये दोनों angles कितने हो गए हमारे पास? 90 degree. Angle 5 equal to angle 6 equal to 90 degree. Now you can see angle 5 is 90, एंगल 6 इज 90, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो 5 के सामने ये एंगल 90, 6 के सामने ये 90, दैट इज ईच एंगल इज 90 डिग्री। सिमिलरली या फिर आप ऐसा लिखें, इसी से एक और रिजल्ट निकालें, लेट दिस बी एंगल 7, दिस वन इज एंगल 8, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 इक्वल टू 90 डिग्री। ओके नाउ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, हमने प्रूव किया पी एस इक्वल टू क्यू आर, एस आर इक्वल टू पी क्यू एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, हेंस पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। थोड़े से टाइम में हम रिपीट करेंगे, वी आर गिवन अ रोम्बस ए बी सी डी, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट साइड्स, हमें प्रूव करना है पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल प्रूव करने से पहले हमें प्रूव करना है पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया तो हम कह सकते हैं अपोजिट साइड से इक्वल है। पैरेललोग्राम के लिए हमने क्या किया,
हमने यहाँ लिया P इज द मिड पॉइंट, S इज द मिड पॉइंट, तो इस ट्राइंगल में क्या होगा, P S इज पैरेलल टू बी डी, पी एस इज इक्वल टू बी डी, यहाँ प्रूव किया है। देन इस ट्राइंगल में आएंगे Q इज द मिड पॉइंट, R इज द मिड पॉइंट, सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी, क्यू आर इज इक्वल टू बी डी, दो पेयर पैरेलल हो गए। यहाँ से क्या हुआ, पी एस पैरेलल टू बी डी और क्यू एस क्यू आर पैरेलल टू बी डी, इसका मतलब पी एस और क्यू आर पैरेलल भी होंगे, इक्वल भी होंगे, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, सो पी क्यू आर एस इज सेड टू बी अ पैरेललोग्राम। ये इतना प्रूव किया जो हमने क्वेश्चन नंबर वन में भी प्रूव किया था। अब हमें हर एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है। 90 डिग्री प्रूव करने से पहले हमें इन दो एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है, बिकॉज सम तो 180 है, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे देन वी कैन से एक भी 90 है दूसरा भी 90। उसके लिए फर्स्टली हमने क्या किया, इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव किया। कैसे प्रूव किया, पी बी इक्वल टू बी क्यू, ये दोनों इक्वल हैं, जब ये दोनों इक्वल हैं इसके सामने एंगल वन इसके सामने एंगल टू दोनों इक्वल हो गए। उसके बाद इन दो ट्राइंगल्स को हमने कॉन्वर्ट किया, जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्वर्ट हो गए ए एस के सामने एंगल थ्री सी आर के सामने एंगल फोर, ये भी दोनों इक्वल हो गए। नाउ एंगल टू प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल थ्री, आप लिख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, वन प्लस सिक्स प्लस फोर, ये भी स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री, दोनों की राइट हैंड साइड को छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड्स को इक्वेट किया, इक्वल एंगल्स कैंसिल हो गए, फाइव इक्वल टू सिक्स। अब फाइव प्लस सिक्स 180 है, बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल, सो एक एंगल भी 90 दूसरा भी 90। अगर 590 है तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम 790, 690 है तो 8 भी 90, ये ना भी इक्वल प्रूव करते हैं 90 डिग्री, इतने से भी हम कह सकते हैं कि ईच एंगल इज 90 डिग्री, सो ईच एंगल 90 डिग्री, अपोजिट साइड्स इक्वल, हेंस पी क्यू आर एस इज सेड टू बी अ रेक्टेंगल। दिस इज क्वेश्चन नंबर टू।